नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज्यपालों को राष्ट्रपति की नसीहत, संविधान के दायरे में निष्पक्षता से काम करने की जरूरत। प्रधानमंत्री का सहकारी संघवाद को लागू करने पर जोर। 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे यूएई के भावी सुल्तान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात आज। रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर होगी बातचीत। पेट के कीड़े मारने की दवा से 5 से ज्यादा राज्यों में सैकड़ों बच्चे बीमार। बिहार, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पीड़ित। राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग दिवस के मौके पर खिलाई गई थी दवा। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले को फिर से लागू करने की तैयारी। मुख्यमंत्री आज कर सकते हैं तारीखों का ऐलान। एनजीटी ने पुराने सरकारी डीजल वाहनों पर रोक लगाने को लेकर मांगा जवाब। और दक्षिण एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 118 स्वर्ण पर कब्जा। बुधवार को भारतीय खिलाड़ियों को मिले 40 स्वर्ण। महिला हॉकी टीम का फाइनल में श्रीलंका से भिड़ंत। खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों का 2 दिवसीय 47वां सम्मेलन कल संपन्न हो गया। समापन भाषण में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राज्यपालों से कहा कि उनके सभी कार्य संविधान के दायरे के अंदर होने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च पद पर आसीन होने के नाते राज्यपाल को निष्पक्ष होने के साथ साथ निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि राज्यपाल के ऊपर संविधान की रक्षा करने की बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए उनके सभी कदम संविधान की संरचना के अंतर्गत होने के साथ संविधान में शामिल सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप हों। राष्ट्रपति ने पूर्वी राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्यपालों से सरकार की एक्ट ईस्ट नीति में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। राज्यपालों के सम्मेलन के आखिरी दिन इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसे मूल भावना के साथ लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहकारी संघवाद हर हाल में लागू होना चाहिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यपाल राज्य में उत्प्रेरक प्रतिनिधि के रूप में काम कर सकते हैं। उन्होंने ये अपील की कि राज्यपालों को ऐसी विरासत छोड़ना चाहिए जिसे वर्षों तक याद किया जाए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी समापन सत्र को संबोधित किया। और सुप्रीम कोर्ट में कल अरुणाचल में लगे राष्ट्रपति शासन पर राज्यपाल की तरफ से पक्ष रखा गया। संविधान पीठ के सामने राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश संविधान के तहत की गई है और विवेक से लिया गया फैसला किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर नहीं आता है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अरुणाचल मामले में सुनवाई के दौरान राज्यपाल ने अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान कहा गया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश लोकतंत्र को बचाने के लिए की गई, लिहाजा ये फैसला बिल्कुल सही था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के सामने ये भी कहा गया कि विधानसभा स्पीकर की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई थी। कोर्ट को बताया गया कि विधानसभा की बैठक को किसी भी वक्त बुलाने का अधिकार राज्यपाल को संविधान से प्राप्त है। देखिए, जब भी किसी केस की बहस होती है तो माननीय न्यायाधीश उस पक्ष के संबंध में जो जो भी प्रश्न होते हैं, जो जो भी आर्गुमेंट्स होती हैं, उसको वो उसके औचित्य को देखते हैं, सवाल पूछते हैं, बहस करते हैं। लेकिन ये टिप्पणियां जो होती हैं ये केस की बहस के लिए होती हैं। अब वो न्यायालय का कोई आदेश माना जाए ऐसा नहीं होता है। न्यायालय का निर्देश अंत में बहस सुनने के बाद आएगा। जानकारों का मानना है कि यह मामला आने वाले समय में नजीर होगा। गवर्नर के जो भी एक्ट्स हैं उनके ऊपर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं हो सकती, मगर गवर्नर ने जो भी एक्शन लिया है उसके ऊपर सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या ये एक्शन जो लिए गए हैं वो वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स में है, या इनवैलिड है, सिर्फ सरकार को गिराने के लिए ही किए गए थे। अरुणाचल प्रदेश में संवैधानिक संकट के बाद सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल की कुछ शक्तियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र अपनी मर्जी से नहीं बुला सकते।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई कार्रवाई भी गलत नहीं होती है। अरुणाचल मामले में सुनवाई के दौरान सभी पक्षकारों से सुप्रीम कोर्ट संविधान से जुड़े कई अहम सवाल पूछ रहा है और उनके जवाब का असर इस मामले के फैसले पर भी पड़ना निश्चित है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि इस फैसले को आने वाले वक्त में राष्ट्रपति शासन से जुड़े मामलों में एक नज़ीर के रूप में देखा जाएगा और इसके व्यापक परिणाम होंगे। दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी के साथ रविंद्र सिंह शोरण, राज्यसभा टीवी। और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आज कई क्षेत्रों में अहम समझौते हो सकते हैं। 3 दिन की भारत दौरे पर आए यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में व्यापार, सुरक्षा, सहयोग, आतंकवाद और आईएस के खतरे पर चर्चा होने की उम्मीद है। इससे पहले कल शाम दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट जाकर उनकी अगवानी की। अबू धाबी के राजकुमार संयुक्त अरब अमीरात की सेना के उप सर्वोच्च कमांडर भी हैं। वे अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के साथ भी मुलाकात करेंगे। यूएई भारत के साथ रक्षा उत्पादन और प्रशिक्षण के अलावा नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग शुरू करना चाहता है। This would provide an opportunity to have detailed discussions to consolidate the domains of the existing partnership and also to constructively build on the vision of the comprehensive strategic partnership in some new areas, new agreed areas, which are, if I may name a few, production of defense equipment in India, strategic partnership in security, in counter-terrorism, cooperation in nuclear and the space sector, in energy sector, including renewable energy. यूएई और खाड़ी क्षेत्र में करीब 70 लाख भारतीय रहते हैं। वहाँ से हर साल भारत में 15 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा आती है। अमेरिका और चीन के बाद भारत यूएई का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। खाड़ी क्षेत्र और अरब में आतंकवाद और आईएस की पैठ ने भी यूएई को सतर्क किया है। यूएई ने बीते एक साल में कई ऐसे लोगों को भारत को सौंपा है जिनका आईएस से ताल्लुक रहा है। इस मामले में दोनों देश और सहयोग के इच्छुक हैं। The figure mentioned in our joint statements was investments up to $75 billion. That needs to be realized over time. The first such step in this direction would be taken when we discuss about UAE investments in our national investment fund. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल यूएई गए थे। वहां उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की प्रसिद्ध मस्जिद का दौरा किया और यूएई ने मंदिर बनाने के लिए जमीन की भी घोषणा की थी। यूएई ने भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 75 अरब डॉलर निवेश की इच्छा भी जताई है। इस यात्रा के दौरान ऐसे कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। यूएई के साथ भारत के अभी तक व्यापारिक संबंध थे जो अब तेजी से रणनीतिक और राजनीतिक संबंधों में तब्दील हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मध्य पूर्व और अरब देशों के बीच भारत की साख बढ़ रही है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कल कोकराझार और नौगांव में रैली कर इस मुद्दे पर राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए सत्ता में आई तो असम और बोडोलैंड के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को असम के कोकराझार में रैली की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन से क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी। ये कोई राजनीतिक समझौता नहीं, एक बोडोलैंड के विकास का दस्तावेज है। आपने 1,000 करोड़ रुपया मांगा है, उससे कुछ अधिक ही भारत सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए। अमित शाह ने असम की कांग्रेस सरकार पर घुसपैठ, महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार रोकने में नाकामी का आरोप लगाया। उन्होंने विकास के लिए बीजेपी गठबंधन को जीत दिलाने की अपील की। 1,80,000 करोड़ के आसपास के काम में कैबिनेट शंका जताई। अगर असम के अंदर से इस बोडोलैंड की पवित्र धरती से ये अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी अगर दूर करना है तो यहाँ पर बीपीएफ बीजेपी की सरकार बनाइए। बीजेपी ने इस साल असम विधानसभा चुनाव के लिए बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन किया है। प्रधानमंत्री के बाद बीजेपी अध्यक्ष की रैली से साफ है कि बीजेपी गठबंधन के जरिए आदिवासियों के बीच पैठ बनाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल में पार्टी कार्यकर्ताओं से मतभेद भुलाकर एकजुट होने को कहा है। केपीसीसी कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में सीपीएम के साथ गठबंधन नहीं करने की भी अपील की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिखावे की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये नसीहत कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए थी। राहुल गांधी ने केरल दौरे के दूसरे दिन केरल कांग्रेस कमेटी की बैठक में शिरकत की। तिरुवनंतपुरम में हुई इस बैठक में राहुल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर एकजुटता की नसीहत दी। राहुल का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पार्टी को राज्य में सोलर घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के मामले में संकट का सामना करना पड़ रहा है। Once the election is over, you are more than welcome to fight among yourselves. For one or two months, I would request the Congress family and the senior leaders, please hold hands, join up in spirit, work together, and let the Congress party rule Kerala again for another 5 years. पार्टी की राज्य इकाई के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में सीपीएम से किसी भी तरह के गठबंधन से असहमति दिखाई है। ये बात उन्होंने राहुल गांधी के सामने भी रखी। केरल में यूडीएफ गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस के लिए वामपंथी सीपीएम ही सबसे बड़ी चुनौती है। सीपीएम ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। He is trying to divert the attention from the real issues. Actually, in Kerala, there is no government at all. There is no governance in Kerala. It is only corruption. राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर दिखावे की राजनीति करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने मनरेगा पर प्रधानमंत्री के संसद में दिए बयान की भी तीखी आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार की मनरेगा योजना ने गांवों की स्थिति को बदला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और डी वार्मिंग डे पर बुधवार को पेट के कीड़े मारने की दवा खाने के बाद कई राज्यों में सैकड़ों बच्चे बीमार हो गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में 200 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के नालंदा में 100 से ज्यादा बच्चों को बेचैनी, पेट दर्द और जी मिचलाने की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। राजस्थान के झुंझुनू में करीब 60 बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। हरियाणा के सोनीपत, पानीपत और कैथल समेत कई इलाकों में 40 से ज्यादा स्कूली छात्र दवा खाने के बाद बीमार हो गए। इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि सभी बच्चों की हालत ठीक है। और पंजाब में स्वाइन फ्लू से मौतों का आंकड़ा 31 हो गया है। पिछले 4 दिनों में इससे 7 लोगों की जान चली गई। बीते कुछ दिनों में H1N1 वायरस ने राज्य के भटिंडा, मुक्तसर, फिरोजपुर, फरीदकोट, लुधियाना, फतेहगढ़, साहिब, मोगा और मनसा में अपना ज्यादा असर दिखाया। पड़ोसी राज्य हरियाणा में इस बीमारी के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया। वहीं मध्य प्रदेश में भी स्वाइन फ्लू की वजह से एक और मौत हो गई। यहां अभी तक इस वायरस के 5 मामले सामने आ चुके हैं। और दिल्ली सरकार एक बार फिर से ऑड इवन फॉर्मूले को अमल में लाने की तैयारी में है। सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इस मुद्दे पर अहम बैठक की। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बताया कि बुधवार को जनमत संग्रह की रिपोर्ट तैयार की गई है और आज ऑड इवन के अगले चरण का फैसला लिया जाएगा। पीटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज इस योजना को फिर से शुरू करने की तारीख की घोषणा कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद अप्रैल में इसे लागू किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने जनता से ईमेल और पब्लिक मीटिंग के जरिए ऑड इवन नियम को दोबारा लागू करने के लिए राय ली थी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक ऑड इवन नियम चलाया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT ने पुराने सरकारी डीजल वाहनों पर रोक लगाने की बात कही है। NGT ने सरकारी एजेंसियों से पूछा है कि उन्होंने 10 साल पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के बारे में अब तक राय क्यों नहीं दी। NGT ने पिछले साल 11 दिसंबर को केंद्र और राज्य सरकारों से अपने विभागों के लिए डीजल वाहन नहीं खरीदने का फैसला लेने को कहा था। साथ ही 10 साल पुराने डीजल वाहनों को हटाने की कार्ययोजना तैयार करने का भी निर्देश दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से इस बारे में कोई सुझाव, जवाब या टिप्पणी NGT को अब तक नहीं सौंपी गई।
मुंबई हमले के गुनहगार डेविड कोलमैन हेडली का आज फिर बयान दर्ज किया जाएगा। इससे पहले कल तीसरे दिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेडली का बयान रिकॉर्ड नहीं हो पाया। विशेष सरकारी वकील ने बताया है कि तकनीकी खराबी अमेरिका की तरफ से थी। पिछले दो दिन की गवाही में हेडली ने मुंबई हमले से जुड़े कई अहम खुलासे किए। हेडली ने बताया कि मुंबई हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। हेडली का दावा है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ काम कर चुका है। सियाचिन हिमस्खलन हादसे में बचे हनुमंत थप्पा की हालत नाजुक बनी हुई है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंग पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पूरे देश में लोग हनुमंत थप्पा की सलामती की दुआ कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने हनुमंत की मां को चिट्ठी लिखकर उन्हें बहादुरी की मिसाल बताया है। हनुमंत थप्पा की सलामती के लिए दुआ करने की ये तस्वीरें वाराणसी, भोपाल और मुंबई की हैं, जहां पूजा अर्चना करके हनुमंत थप्पा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। बनारस में लोगों ने सियाचिन के जाबाज के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, तो भोपाल में युवा कांग्रेस के सदस्यों ने हवन का आयोजन किया, तो वहीं मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई। जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे अस्पताल में हम भगवान महामृत्युंजय से प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करके कि उनको फिर से नया जीवन दे, दीर्घायु स्वास्थ्य लाभ के लिए उनके कामना कर रहे हैं। हम गणपति के चरणों में प्रार्थना किए कि उसको अच्छी सुख समृद्धि मिले, उसके शरीर उसको अच्छी तरह से वो सुरक्षित रहे और इस पूरे जो संकट में से वो बाहर आकर देश की सेवा करने का उसको मौका फिर एक बार मिले। इधर दिल्ली में लांस नायक हनुमंत थप्पा की हालत गंभीर बनी हुई है। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक वो अभी कोमा में है और अगले 24 घंटे उनकी जिंदगी के लिए बहुत नाजुक हैं। निमोनिया से पीड़ित हनुमंत थप्पा का लीवर और किडनी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। The authorities of the FL hospital have told us that they are taking all due care of him and about him the health bulletin is also being issued. It is too early to say anything. They will like to wait for some more time before saying anything about it. What is his condition as of now, sir? His condition is still continues to be critical. हनुमंत थप्पा सियाचिन में 3 फरवरी को हिमस्खलन की चपेट में आए। 10 जवानों में शामिल थे जो 6 दिनों तक 35 फीट मोटी बर्फ की परत के नीचे दबे रहने के बाद भी जिंदा निकाल लिए गए। फिलहाल डॉक्टर उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं। सियाचिन हादसे में मौत को मात देकर लौटे लांस नायक हनुमंत थप्पा दिल्ली के आर्मी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सारे मिलकर इस महानायक की नई जिंदगी की मिलकर दुआ कर रहे हैं। कैमरामैन संतोष के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार आगामी बजट में सिंचाई और ग्रामीण सड़क से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देगी। सूखा और मॉनसून की बेरुखी से नुकसान झेल रहे कृषि क्षेत्र को आर्थिक मदद देकर सरकार ग्रामीण आय और खपत को बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। लगातार दूसरे साल खराब मॉनसून, जरूरी चीजों के दामों में वैश्विक गिरावट के चलते कृषि क्षेत्र में नरमी छाई रही है। फसल पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि सिंचाई सुविधाओं के और विस्तार की जरूरत है। आगामी बजट में सरकार का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर विशेष जोर रहेगा। वाटरशेड मैनेजमेंट हुआ, उस पे पैसा ज़्यादा लगाइए, 1 मिलियन टैंक्स, स्टोरेज टैंक्स बनाइए, माइक्रो इरीगेशन सिस्टम्स को इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग स्टेटस दीजिए। उसी हिसाब से जब आप जाएंगे मार्केटिंग पे, तो हमने प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट की बात करी है। गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए इस बजट में भी 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का प्रावधान कर सकती है, जिससे मई 2019 तक 1.5 लाख से ज्यादा बसाहटों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। नीड्स द रूरल रोड कनेक्टिविटी एज अ मोर अर्जेंट रिक्वायरमेंट विद द हाईवेज ऑल्दो द हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड द मनी दैट्स बीन पंप्ड इनटू इट इट्स बीन लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट दिस ईयर which in turn has driven economic growth. कई वजहों के चलते पिछले कुछ सालों में कृषि क्षेत्र की स्थिति खराब रही है, इसलिए आगामी बजट में सरकार की नीतियों और सुधारों पर सबकी नजर है।
कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और मुंबई में चल रहे राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आज तीसरा दिन है। इससे पहले कल फिल्म निर्माताओं ने विज्ञान पर बनी फिल्मों के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। साथ ही साथ समारोह में कार्यशाला का भी आयोजन हुआ। इनमें अलग अलग श्रेणियों की फिल्मों को दिखाया गया। मुंबई में चल रहे राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन की शुरुआत राज्यसभा की बनाई फिल्म कॉन्जेक्चर्स से हुई। ये फिल्म मशहूर गणितज्ञ रामानुजम के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म का निर्माण फिल्म निर्माता नंदन कुडियाडी ने किया है। कुडियाडी ने फिल्म निर्माण से जुड़े तकनीकी जानकारियों को भी साझा किया। Now this particular film is again a little niche film. I'm happy to say that my fourth film is really the one which addresses the problem and is really made for a large and general audience. समारोह में इस बार विज्ञान को बढ़ावा और प्रचार पर काफी जोर दिया जा रहा है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन ने द कोर ऑफ साइंस कम्युनिकेशन विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी से सवाल पूछते हैं तो आपको उन सवालों के जवाब को भी समझना चाहिए। सपोज इफ यू आर हैविंग अ पैरट एट होम, यू टीच द पैरट दैट व्हेनेवर समबडी आस्क्स व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, इट शुड से स्फेरिकल। सो डू यू रियली बिलीव दैट द parrot knows that the earth is spherical, but it has given you right answer. Okay, if you are a teacher, you would give 2 marks. Plastic waves are immersed in a tub full of chromic acid. समारोह के दूसरे दिन फिल्म प्लांट टिश्यू कल्चर वन संरक्षण पर द वैनगार्ड्स ऑफ अंगुल जुगाड़ तकनीक पर बनी सूझबूझ से संशोधन और पवन ऊर्जा पर आधारित कनाव्यू वरियम कश्मीर के झील पर बनी सेविंग द सेवियर कर्नाटक के हम्पी के पुरातात्विक इमारतों के रंगों पर बनी फिल्म मोनोमेंटल साइंस ने लोगों को काफी आकर्षित किया। इन फिल्म निर्माताओं ने अपने अनुभवों को साझा किया। This is a movie about a village school dropout trying to find an innovative solution to the electricity problem. This is basically based on village science and innovation. मेरे जो करैक्टर है उस फिल्म में बिल्ला, एक छोटा सा 15 years का बच्चा, उसके थ्रू हम ये फिल्म दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि वुलर की अब की कंडीशन क्या है, आज से 20 साल पहले इसकी कंडीशन क्या थी। राष्ट्रीय साइंस फिल्म महोत्सव की प्रतियोगिता श्रेणी में कुल 45 फिल्में दिखाई जाएंगी, जबकि गैर प्रतियोगिता श्रेणी में 20 चुनिंदा फिल्मों को शामिल किया गया है। इसका समापन 13 फरवरी को 5 श्रेणियों में अलग अलग पुरस्कारों के ऐलान के साथ होगा। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ संजय कुमार, मुंबई, राज्यसभा टीवी। और 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। एथलेटिक्स, वुशु, तैराकी, निशानेबाजी, टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में स्वर्ण पदकों की भरमार से भारत अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब पहुंच चुका है। बुधवार को भारतीय खिलाड़ियों ने 40 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारत के 118 स्वर्ण हो चुके हैं। 2006 में भी भारत ने 118 स्वर्ण जीतने में कामयाबी हासिल की थी। कल एथलेटिक्स में भारत ने 14 में से 10 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इनमें मयूर खजानी ने ट्रिपल जंप, सहना कुमारी ने ऊंची कूद, एमआर कुअम्मा ने 400 मीटर दौड़ और नीरज कुमार ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण हासिल किया। वहीं टी गोपी ने पुरुषों के 10,000 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण जीता। वुशु में 8 स्वर्ण, तैराकी में 5 और निशानेबाजी में 3 स्वर्ण देश को मिले। इसके साथ ही भारत ने टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में तकरीबन सभी पदकों पर कब्जा किया। भारतीय महिला हॉकी टीम की नजर स्वर्ण पर है। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम आज फाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी। भारत को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। लीग चरण में भारत ने श्रीलंका को 12-1 से मात दी। रियो ओलंपिक से पहले टीम प्रबंधन उसे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर देना चाहता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 36 साल बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और अब एक नजर पदक तालिका पर। भारत 118 स्वर्ण, 63 रजत और 17 कांस्य पदक के साथ 198 पदक जीतकर शीर्ष पर चल रहा है। तो श्रीलंका 24 स्वर्ण, 46 रजत और 63 कांस्य के साथ 133 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है।
जबकि पाकिस्तान 7 स्वर्ण 20 रजत और 33 कांस्य के साथ 60 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर बना हुआ है। तो बांग्लादेश 4 स्वर्ण 10 रजत और 40 कांस्य के साथ 54 पदक जीतकर चौथे नंबर पर है। महल, पाकीज़ा और रज़िया सुल्तान जैसी सफल फिल्मों के निर्देशक और निर्माता कमाल अमरोही की आज पुण्यतिथि है। इसके साथ ही कमाल साहब बेहतरीन गीतकार, पटकथा और संवाद लेखक भी थे। गीत संगीत और कलात्मकता उनकी फिल्मों की जान होती थी। निगारे आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। फिल्म मुगले आजम की ये यादगार डायलॉग कमाल अमरोही की कलम से निकले थे। उन्होंने बेहद चुनिंदा फिल्में की, लेकिन जो किया पूरी तबीयत और जुनून के साथ। January 17, 1918 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जन्मे कमाल साहब की पहली सुपरहिट फिल्म पुकार थी। फिल्म महल के जरिए कमाल अमरोही ने निर्देशन में कदम रखा। कमालिस्तान स्टूडियो की फिल्म पाकीज़ा उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट थी। मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे ढूंढ लाना है। रज़िया सुल्तान फिल्म के जरिए उन्होंने अपने निर्देशन का एक बार फिर से लोहा मनवाया। अपने कमाल से दर्शकों को बांध लेने वाली ये अजीम शख्सियत 11 फरवरी 1993 को दुनिया को अलविदा कह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। राज्यपालों को राष्ट्रपति की नसीहत, संविधान के दायरे में निष्पक्षता से काम करने की जरूरत, प्रधानमंत्री का सहकारी संघवाद को लागू करने पर जोर। तीन दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे यूएई के भावी सुल्तान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात आज। रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर होगी बातचीत। पेट के कीड़े मारने की दवा से 5 से ज्यादा राज्यों में सैकड़ों बच्चे बीमार, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पीड़ित। राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग दिवस के मौके पर खिलाई गई थी दवा। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले को फिर से लागू करने की तैयारी, मुख्यमंत्री आज कर सकते हैं तारीखों का ऐलान। एनजीटी ने पुराने सरकारी डीजल वाहनों पर रोक लगाने को लेकर मांगा जवाब। और दक्षिण एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 118 स्वर्ण पर कब्जा। बुधवार को भारतीय खिलाड़ियों को मिले 40 स्वर्ण। महिला हॉकी टीम का फाइनल में श्रीलंका से भिड़ंत। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए देश देशांतर।